इस वीडियो में हम फिनट और इनफिनट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में सबसेट के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें, अ सेट हैविंग फिनट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा सेट जिसमें फिनट नंबर्स हैं उसको फिनट सेट बोलेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनफिनट सेट बोलेंगे। अ सेट इज सेट टू बी फिनट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द सेट 1, 2, 3 नंबर्स तक, यानी कि 1, 2, 3 से लेकर आगे जितने भी नंबर्स हैं। फॉर सम फिक्स इंटीजर एन, यानी कि जो हमने फिक्स किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है 40, यानी कि 40 तक जाए, अदरवाइज इनफिनिट। फॉर एग्जाम्पल द सेट 1, 3, 5, यानी कि 9, 9, 9, 9 तक जाना है, इज फिनिट सेट, एंड द सेट 1, 3, 5 इज इन्फिनिट, यानी कि जिसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं थी उसको इन्फिनिट बोलेंगे, और जिसमें हमने कोई नंबर सेट किया है कि इधर तक जाना है उसको फिनिट बोलेंगे। अब सबसेट क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। अगर हमारा पास जो सेट ए है उसका हर एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट है बी का, एंड इज रिटन एज ए सबसेट बी, यानी कि ए जो है वो सबसेट किसका है, बी का, ठीक है। एंड बे इज कॉल्ड अ सुपर सेट, और जो बी है उसको सुपर सेट बोलेंगे ए का, इस तरह, यानी कि ठीक है। यानी कि अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद है, तो हम बोलेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, और सेट बी जो है वो सुपर सेट है सेट ए का। तो ये तो हमारी डेफिनेशन थी फिनट एंड इनफिनट सेट्स की, और साथ में सबसेट्स की। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।